भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हमारी जुबान कितनी लड़खड़ाती है बहू की प्रशंसा करने में, कितनी कंजूस हो जाया करती है। इसको थोड़ा सा सांत्वना दो, प्रोत्साहन दो, बहू को आगे बढ़ाओ। हाँ, यदि कोई बहू एक गलती करे तो 10 गालियां पड़ती हैं उसको। कभी अच्छा काम करे तो धन्यवाद नहीं देती हो। कभी पानी मंगाया कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, और बहू ने ला करके दे दिया तो बोला करो बेटा धन्यवाद, ध्यान रखिए तूने मुझे पानी पिलाया है। मान्यवर, बहुत बदल गई है दुनिया। बहू को देख करके माताएं अपने बेटों पर शक करने लगती हैं कि हमारा बेटा हमारे हाथ में नहीं। प्लीज ऐसा वातावरण घर का मत बनाइए। मान्यवर, आपसे एक ही निवेदन करूंगा, लड़कों से भी निवेदन करूंगा, घर में 4 लोग होंगे कहां सुनी होगी। तुम्हारी बहुत बड़ी तपस्या है घर को स्वर्ग बनाने में, तुम्हें मां की बातें भी सुनना है और पत्नी की बातें भी सुनना है। एक आदमी को मैं जानता हूं, टिफिन लेकर के अस्पताल जा रहा था, रास्ते में एक दोस्त मिला, उसने कहा कहां जा रहा है। बोले टिफिन लेकर अस्पताल जा रहा हूं। मालूम है उस दोस्त ने कहा क्यों, क्या हुआ। बोले मेरी पत्नी सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, रोज खाना लेकर मुझे जाना पड़ता है। बोले यार तू क्यों जाता है खाना लेकर। बोले क्यों, जब वो स्वस्थ थी तो रोज मुझे खाना देती थी, आज अस्वस्थ है तो मेरा भी फर्ज है कि उसे ले जा करके खाना देना चाहिए। कब तक बीमार है। बोले उसकी याददाश्त चली गई है। उस दोस्त ने कहा पागल है क्या, जब वो तुझे पहचानती रही है, जब उसकी याददाश्त ही चली गई है तो तू टिफिन लेकर क्यों जाता है, किराए का टिफिन भेज दिया कर, वो कौन सा तुझे पहचानती है, कौन सा तुझे जानती है। ऐसे दोस्त मिलेंगे भड़काने वाले, घरों को तोड़ने वाले। जानते उस लड़के ने क्या कहा, तू सही कह रहा है कि उसकी याददाश्त नहीं है, लेकिन एक बात बता दे मेरे दोस्त, याददाश्त उसकी खोई है। याददाश्त मेरी तो नहीं खोई है ना, मेरी तो मेमोरी है ना, मेरी तो याददाश्त है ना, उसने खोई उसकी मजबूरी है, लेकिन मेरी याददाश्त तो मजबूत है, मेरी मेमोरी तो लॉस नहीं हुई है ना। तो बोले क्या मतलब। बोले मेरी मेमोरी नहीं जा सकती है, क्योंकि जब मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था और जब उसे फोन गया कि तेरे पति की तबीयत खराब है, उसने आओ देखा ना ताओ, उसने स्कूटी उठाई और मेरे लिए भोजन लेकर के भागी, लेकिन रास्ते में दुर्घटना घट गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो आई तो मेरे लिए थी ना, टिफिन लेकर तो मेरे लिए आई थी ना, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मेमोरी चली गई। अरे जब पत्नी मेरे लिए टिफिन लेकर के भाग सकती है तो एक पति का भी फर्ज है कि उसके लिए वह भोजन लेकर के जाए। उसने आज जो हालत हुई है वह मेरी वजह से हुई है, उसकी याददाश्त में उसने मुझे भुला दिया हो, लेकिन मैं मरते दम तक अपने बीवी के इस काम को नहीं भुला सकता हूं। ध्यान रखिए, मान्यवर, फर्ज है आपका। दिन भर पिसती है वह भी घर के काम करती है, वह भी तनाव टेंशन, क्यों बहुत बड़ी कोई सयानी लड़की तो आती नहीं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल की बेटी, उसके भी अपने ख्वाहिश हैं, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके भी अपना कोई जीवन है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। सुबह से उठती है, सारे काम करती है। नारी तेरा जीवन क्या है, ऐसी जिंदगी हो जाती इस नारी की, यबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला तेरी क्या करे वो, माँ की नहीं सुने सास की तो वो चिल्लाती है, पति की नहीं सुने तो पति चिल्लाता है, ससुर को समय पे ना दे तो वो चिल्लाता है, और तो और
बच्चों का टिफिन ना लगाए तो बच्चे चिल्लाते हैं, ध्यान रखिए। यदि जॉब करती है तो ऑफिस में लेट हो जाए तो वॉस चिल्लाता है, ध्यान रखना। सिवा झिड़कियों के उसे मिलता क्या है, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, जिसका काम नहीं करे वही नाराज हो जाता है, जिसको पूछना भूल जाए वही मुंह बना लिया करता है। पूरी जिंदगी एक औरत घर को व्यवस्थित करने में ही पूरी जिंदगी खपा दिया करती है, लेकिन उसके बाद भी उसे उतना सम्मान नहीं मिलता जितने की वो हकदार हुआ करती है, ध्यान रखिए। कितना ख्याल रखे वो सबका। और तो और, बिचारी महाराज आ जाए तो उनकी व्यवस्था में लग जाती है, टिफिन बनाती है, रखती है, घर को एडजस्टमेंट करती है, महाराज के चौके में जाती है, धर्म करती है, हर काम। कौन सा काम नहीं करती है? एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू करती क्या है दिन भर घर में? पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं करती। बोले, क्या करती है? कमाता मैं हूँ, पैसा मैं लाता हूँ, तू क्या करती है दिन भर? उसने कहा, ठीक है, सूरत की रही होगी। उसने, कल बताऊंगी मैं क्या करती हूँ। ऑफिस से लौटा पति, बिस्तर वैसे ही पड़े हैं, खाने के बर्तन वैसे ही पड़े हैं, झाड़ू वैसे ही पड़ी है, कचरा वैसे ही पड़ा है, कपड़े धुले ही नहीं है। पति आया, ये क्या बना दिया मेरे घर को नरक, ये सब सामान यहां वहां पड़ा है। उसने कहा, आपने कहा था ना मैं क्या करती हूं, अब पता पड़ा कि मैं क्या करती हूं, ध्यान रखना। सोचना है आपको, जिस दिन पत्नी पीहर चली जाए ना, अकल ठिकाने लग जाएगी तुम्हारी, ध्यान रखना। 8 बजे सो के उठोगे, दूध वाला घंटी बजाएगा, मूड खराब हो जाएगा। दूध गर्म करने गैस पे रखोगे, ब्रश करने जाओगे, दूध उफन जाएगा। रोटी बनाने बैठोगे, चंदा मामा बनाओगे, भारत का नक्शा बन जाएगा, ध्यान रखना। कच्ची पक्की खाओगे, पता पड़ेगा कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है, ध्यान रखना। ये पिसती है तुम्हारे लिए, अरे ये तो वो नारी है जो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती है। जिस दिन पति बाहर चला जाए, जिस दिन बच्चे बाहर चला जाए और उससे पूछे कि बहन क्या बना रही है, बोले क्या बनाना, पति यहाँ है नहीं, बच्चे बाहर गए हैं, घर में कोई नहीं है, अचार रोटी खाती है और दिन गुजार दिया करती है। वह तो भोजन भी तुम्हारे लिए बनाती है, सब कुछ तुम्हारे लिए करती है। नहीं मेरे भाई, नारी का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए उसके किए का उसे। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये अम्माओं में सबसे बड़ी गंदी आदत क्या होती है कि चलो बहू से कुछ हो गया, अनजान है, बेटी है, हो गया, अब उसका बखान पूरे मोहल्ले से कर देती है। मेरी बहू ऐसी, उसने ऐसा किया, फिर फोन लगा देगी अपनी बहन को, फिर भाई को फोन लगा देगी, ऐसी बहू मिली, ये नहीं करती, वो नहीं करती। आपसे मेरा निवेदन है, दुनिया भर में बकने से हो क्या, कोई हल नहीं होने वाला, गड़बड़ी हो गई है। माताओं से निवेदन है कि एक बार बहू बेटे परिवार बैठकर जो भी कहना है अपने घर की चार दीवारी की अंदर कहिए। यदि बहू से कहोगी तो समस्या का हल हो सकता है, पड़ोसी कोई हल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। वो तो तैयार ही बैठे हैं कि इस घर में कब आग लगे और कब हम इसमें पेट्रोल डालें कि पूरा घर बर्बाद हो जाए। किसी से कहने से मतलब क्या है, यहां वहां कहने से क्या मतलब है? अपनी बहू से कहो, गुस्सा होगी, झुंझलाएगी, उसकी परवाह मत करो, कुछ बात बोलोगी कुछ तो उसकी समझ में आएगी। पड़ोसी तो मिर्च मसाला लगा करके बताएंगे, वो तो तैयार ही है कि इस घर में, इस मकान में, इस आंगन में एक दीवार और खड़ी हो जाना। ये पड़ोसी केवल मजाक बनाते, जिनके आगे तुम आंसू बहाती हो, जिनके आगे तुम रोती हो, मेरा निवेदन है, रोने का मन करे ना तो चंदा प्रभु के सामने अकेले में जाके रो लेना मेरे भाई, और वो भी ना मिले तो दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन दुनिया वालों के सामने आंसू मत बहाना, ये तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाते हैं, ध्यान रखिए। ये बाहर से तो तुम्हें संवेदना दिखाते हैं, भीतर भीतर तो तालियां बजाते हैं कि आ गया मजा, हो गया इनका घर बर्बाद। मत बोलिए,
घर में चार लोग बैठकर फैसला कर सकते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं, इस धरती पर, जिनके कारण ये पृथ्वी जिंदा रहती है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भगवान पार्श्वनाथ इस धरती पर आए। महावीर से पहले पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ। कुछ लोग समझते हैं कि जैन धर्म भगवान महावीर से चला है। जो लोग ऐसा मानते हैं उन्हें इतिहास की अभी जानकारी नहीं है, उनके लिए इतिहास अधूरा है। पूरे भारत का इतिहास पढ़ लिया जाए, अखंड भारत का इतिहास के हजारों करोड़ों पन्ने भी पलट दिए जाएं, और जिस व्यक्ति ने सबका इतिहास पढ़ा हो, जिसने ऋषभ देव का इतिहास ना पढ़ा हो, वो इतिहास अधूरा हुआ करता है, वो ज्ञान अधूरा हुआ करता है। ऋषभ देव इस जैन संस्कृति के प्रथम तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर धर्म की स्थापना नहीं करते हैं, वो धर्म की प्रभावना करने के लिए इस जगत में आते हैं। एक अवतार परंपरा है और एक तीर्थंकर की परंपरा है। वैदिक परंपरा अवतार परंपरा होती है, और जैन परंपरा जो होती है श्रमणों की परंपरा, वो तीर्थंकरों की परंपरा हुआ करती है। जैनों में अवतारवाद नहीं है, तीर्थंकरवाद को महत्व दिया जाता है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों एक ही है। थोड़ा सा अंतर है कि अवतार परंपरा में क्या होता है, जब परमात्मा ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वह अवतार परंपरा कहलाती है, और जब परमात्मा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वह तीर्थंकर की परंपरा कहलाती है। एक में भगवान ऊपर से नीचे आता है जगत के कल्याण के लिए, और एक परंपरा में भगवान अपना कल्याण करके दुनिया से विदा हो जाते हैं। आज पार्श्वनाथ भगवान जगत के साथ साथ अपना भी कल्याण किया, दुनिया से विदा हो गए हमेशा हमेशा के लिए। सात सत सुख में जाकर के बैठ गए, अनंत सुख में जाकर के बैठ गए, सम्मेद शिखर की पावन भूमि से। एक बात ध्यान रखना, यदि जैन हो, जैन कुल में जन्म लिया है, कुछ करो या ना करो, मरने से पहले एक बार सम्मेद शिखर की वंदना जरूर करना। जिसने सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की, उसने जैन कुल में उसका जन्म दो तीर्थ जरूर करना, एक अयोध्या और एक शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर। अयोध्या शाश्वत तीर्थ है, ध्यान रखना। जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होता है वो अयोध्या में ही होता है। ये हुंडा और सर्पणी काल का दोष है कि कुछ तीर्थंकरों का जन्म अलग अलग हो गया, लेकिन आने वाली जो 24 ही होगी, जैन दर्शन कहता है उनका जन्म अयोध्या में ही होगा, और सबको निर्वाण सम्मेद शिखर से होगा। सम्मेद शिखर से ही सबको मोक्ष होता है, इसलिए दो तीर्थ जो है शाश्वत तीर्थ कहे जाते हैं। अयोध्या जन्मभूमि है श्री राम की ही नहीं, हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव की जन्मभूमि अयोध्या है, अजितनाथ की जन्मभूमि अयोध्या है। चार चार तीर्थंकरों ने जन्म लिया, इसलिए कह सकता हूं कि अयोध्या अकेले हिंदुओं का तीर्थ नहीं है, ये जैनों का भी शाश्वत तीर्थ हुआ करता है, पवित्र तीर्थ है अयोध्या। एक बार जरूर अयोध्या की पदरज अपने माथे पर लगाना। कल्याणक भूमियां हैं ये, शाश्वत हैं। बाकी भूमियां तो इस काल में हैं, अगले काल में नहीं होंगी, लेकिन हर काल में अनंत अनंत काल तक तीर्थंकर अयोध्या में ही पैदा होंगे, और तीर्थंकर को मोक्ष सम्मेद शिखर से प्राप्त होगा। एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। सम्मेद शिखर पावन तीर्थ है, कितना सुंदर नाम सम्मेद शिखर। एक ही भावना रखना कि भगवान जन्म हमारा कहीं भी हो जाए, मृत्यु हो तो सम्मेद शिखर से होना चाहिए। आचार्य विमल सागर जी महाराज सोनागिर से बिहार करके सम्मेद शिखर की तरफ जा रहे थे। आचार्य विमल सागर जी महाराज को सोनागिर प्राणों से प्यारा था,
ज्यादा समय उन्होंने सोनागिर में ही व्यतीत किया है। लेकिन एक दिन उनके मन में आया कि सब मैं शिखर जाऊंगा, मेरा मुनि बनना, तपस्या करना सार्थक होगा। समय शिखर महाराज जाने लगे, किसी ने पूछा कि महाराज अब लौट के सोनागिर वापस कब आओगे? महाराज ने मुस्कुराया वात्सल्य के धनी और उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा तू क्या प्रश्न कर रहा है कि समय शिखर से वापस कब आओगे? पागल, समय शिखर वो स्थान है जहां जाया तो जाता है, लौट कर वापिस नहीं आया जाता है। समय शिखर से कोई लौट के आता है क्या? समय शिखर गए तो गए, तीर्थंकर गए तो लौट कर नहीं आए। समय शिखर से लौटने की भावना कभी ना बनाना।